दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को हमने एक वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी थाने में, तो वहाँ का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। और एक्चुअली में बात ऐसी थी कि मैं वहाँ पर था नहीं, मैंने पापा से पूछा ये सब चीज़ें, तो उन्होंने ये सब बताया। तो दोस्तों, मैं आपको यार क्लियर करना चाहूँगा कि ये मीटिंग हुई है और अमेठी में, श्योरतनगंज थाने में, ये आप आकर पता कर सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं भैया ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप श्योरतनगंज थाना अमेठी में, जिला अमेठी में आप पूछ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर होली के दिन डीजे क्यों नहीं बजेगा। तो आपको हम ये भी बता दें भैया कि होली में इसलिए डीजे नहीं बजेगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में बहुत भारी दंगा हो चुका है, और ये दंगा कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दिल्ली में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि ऐसे कोई दंगे हो। और आप ये सब चीज़ जानते ज़रूर होंगे कि यहाँ पर जब अपने त्यौहार आते हैं या कुछ भी होता है तभी ये दंगे फसाद ज़रूर होते हैं। तो ऐसा मत करिए कि यहाँ पर हमारी खुशी की होली दुख की होली बन जाए, यहाँ पर रंगों की होली खून की होली हो जाए, तो ऐसे चीज़ें मत करिए। और यहाँ पर आप जानते हो कि डीजे में अक्सर करके लड़ाई दंगे ज़रूर होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यूपी में अगर डीजे बैन हुआ है तो इसी लड़ाई दंगे और तेज़ आवाज़ की वजह से ये हुआ है, यही कारण है डीजे बैन होने का यूपी में। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि डीजे बैन हटा है कि नहीं हटा, मैं आपको अगले वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर होली में इसी कारण के लिए यहाँ पर मना कर दिया गया, और लोग कह रहे थे कि डीजे बजेगा, ज़रूर बजेगा। अगर भैया अगर अपनी मनमानी कर रहे हो, अगर ज़बरदस्ती आप डीजे बजा रहे हो, लोगों की नहीं सुन रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि डीजे अभी भी बैन है यूपी में, सिर्फ आपके बिजनेस को चलाने के लिए सरकार ने थोड़ा सा मौका दिया है, ठीक है, अभी भी बैन है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि भैया लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए ये डीजे को होली के दिन रोका गया है। आपको हम फिर से बताना चाहेंगे कि ये डीजे इसीलिए रोका गया भैया लड़ाई झगड़े ना हो। अगर भैया कोई लोग कह रहे हैं कि भैया कि डीजे बजेगा, ज़रूर बजेगा, होली के दिन तो ज़रूर ही बजेगा, तो भैया बजाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम आवाज़ में, और आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, आप आपस में भी लड़ाई झगड़ा ना करें, थाने तक विवाद ना जाए। यहाँ पर ऐसे ही आप काम करेंगे तब तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हो भैया हम अपने दरवाजे डीजे बजा रहे हैं तो चले दूसरे गांव में भी लेके चले, तीसरे गांव में लेके चले, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो भैया यहाँ पर लड़ाई होनी ही होनी है, ठीक है। अपने मोहल्ले में बजा लो, आराम से नाच कूद लो, तब तो ठीक है। अगर आप हर जगह घुमा रहे हो तो ऐसा बहुत ही गड़बड़ बात है। अगर आपको बजाना ही है तो आप ओनली 2 साउंड या 12 या तो 15 आप बजा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने युवा भाई हैं वो डीजे के बगैर होली में रह ही नहीं सकते यार। जब तक भैया एक बोतल चढ़ेगी नहीं और डांस होगा नहीं तब तक होली कैसे। हम भी भाई आप लोगों की फीलिंग समझते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी फीलिंग समझिए, क्योंकि हम सब लोग डीजे व्यापारी हैं और यहाँ पर डीजे यार हमारा एक रोजी रोटी है, तो हमारा भी काम चलने दीजिए और आपका भी काम चलने दीजिए। तो ठीक है भाई, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना होली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भैया, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।